नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज हम बात करेंगे यात्रा पर राजनीति की। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में समाप्त हो गई। ये 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर ए कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। दो बार मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र किया और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और सेना सुरक्षा बलों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है देखी है। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी, डरते हैं। यहाँ पर हम 4 दिन पैदल चले, गारंटी देता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। मोदी शाह ये दर्द नहीं समझ सकते। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदि शंकराचार्य से की है। मंत्री चौबे ने कहा, भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक की यात्रा की, आदि शंकराचार्य ने केरल से बद्रीनाथ तक की यात्रा की और राहुल गांधी ने केरल से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तीनों की यात्रा की दूरी समान है। राहुल गांधी के कश्मीर में जाने से लगा लोग बरसों बाद घर से बाहर निकलकर शुद्ध हवा ले रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, इसको लेकर के अगर हमारा नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राहुल जी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। आज भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में समापन हुआ। आज राहुल गांधी जी और छत्तीसगढ़ के पूरा मंत्रिमंडल कश्मीर में है। आज पूरे मंत्रिमंडल को राहुल जी को धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का कि उनके शासन काल में कश्मीर में जाकर कोई भी झंडा फहरा सकता है। राहुल जी जानते हैं कि उनके पिताजी के नाना श्री ने कश्मीर को पूरे देश से तोड़ रखा था। आज मोदी जी के कारण, मोदी जी के गढ़ 370 हटा और कश्मीर आज सारे देश से जुड़ा हुआ है और आज कोई भी हिम्मत के साथ उस कश्मीर में झंडा फहरा सकता है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता विकास बजाज, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राम अवतार तिवारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मेरा पहला सवाल है विकास जी से। विकास जी, आपके नेता यात्रा निकाल रहे थे, कई दिनों तक यात्रा करी उन्होंने, लेकिन यात्रा तक ठीक है, लेकिन भगवान राम से उनकी तुलना करना कहां तक जायज है? देखिए विजयन जी, जी तुलना नहीं की है, प्रभु श्री राम से किसी की तुलना कभी हो नहीं सकती। समझे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम सबके आराध्य है, हम सबके प्रेरणा स्रोत है, उनसे प्रेरणा लेके यात्रा, आप समझिए इसको उलझाने की बात हो रही है। प्रभु श्री राम, आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष और भगवान जो इन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया कि जब अगर सत्य की लड़ाई लड़ना है तो आप उस उन्होंने चार हजार किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5 महीने चली, सबको मालूम है। तो ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5 महीने चली, सबको मालूम है। तो ये श्री प्रभु श्री राम की प्रेरणा है, आदि शंकराचार्य की प्रेरणा है, जो महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया, हमारे संतों ने, उनकी प्रेरणा लेकर ये यात्रा हुई। और गरीब जनता के बीच में, आम जनता के बीच, भारत की जनता के बीच में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, जो देश में कुछ पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है, जो आर्थिक असमानता फैल गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उनको
खत्म करने के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा थी, और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता इससे दिख जाती है कि आज भी जब पूरी भारी बर्फबारी के बीच में श्री राहुल गांधी जी और पूरे हमारे कांग्रेस के यात्री और भारत यात्री डटे रहे, और आज समापन हुआ जो सात यात्री और भारत यात्री डटे रहे और आज समापन हुआ जो 7 सितंबर से लगातार 5 महीने तक चला। तो ये इसमें एक एक इसमें देश के फौजी भी जुड़े, इसमें देश की जनता जुड़ी, इसमें बुद्धिजीवी भी जुड़े, अर्थशास्त्री भी जुड़े, पूर्व जो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी रहे वो भी, सेना के जो हमारे कमांडर वो भी जुड़े, आज रॉ के अधिकारी भी जुड़े। तो ये जो देश में जो आम जनता, गरीब इंसान, किसान, मजदूर, मैकेनिक, हर वर्ग का लोग, व्यापारी, सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि वो उनको एक नई राह मिली है भारत जोड़ो यात्रा से, उनको एक नई दिशा मिली है। एक तरफ नफरत, ठीक है, और ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास विकास जी, रुका राजीव जी का, राजीव जी हमारे आपकी पार्टी का कोई नेता इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता, ये चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी। आपको लगता है कि इस यात्रा के चलते आपको घबराना चाहिए, आपकी पार्टी को घबराना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी तो यात्राओं का इतिहास की है, राम रथ यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा, राष्ट्रीय पुनर्गठन यात्रा, कई यात्रा है। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रीय एकता यात्रा की, सुषमा स्वराज ने यात्रा की, यात्राओं का लंबा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे और अलग 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 राज्यों में भी रहा। राहुल गांधी जी पहली बार भारत को देखने निकले हैं, उनको शुभकामना देता हूं, लेकिन एक निंदनीय बयान रविन्द्र चौबे जी ने दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सीधा सीधा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुलना राहुल, माने जो स्तुति और जो चमचागिरी होती है उसकी जो घटियापन होती है वो रविन्द्र चौबे जी ने दिखा दिया है, कि जो भगवान विष्णु के अवतार है उसकी तुलना एक मनुष्य से कर दिया, जो मनुष्य भारत को जानता नहीं, जिसकी पार्टी ने, मुझे बोले दीजिए, देखिए मैं शालीनता से सुना, आप मेरी बात को सुनिए, तो इस प्रकार से उसकी तुलना कर देना, स्तुतिगान करना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदि शंकराचार्य जो जिस समय सनातन धर्म के ऊपर हमले हो रहे थे बाहरी देशों के, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और 4 दिशाओं में वो यात्रा की और निकल पड़े कठिन यात्रा पर, आदि शंकराचार्य की तुलना राहुल गांधी जी से करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान है। ठीक है, आपके नेता निकले हैं यात्रा पे, उसकी शुभकामना है, उनका राजनीतिक मकसद है, उन वो कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूं, राहुल गांधी मर चुका, ये दूसरा राहुल गांधी है, और वहां पर बैठकर वो नफरत की बात फैला बोलते हैं कि मैं नफरत काटने निकला हूं, और वहां पर संघ को गाली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मान मर्यादन करते हैं, छिद्रान्वेष करते हैं। तो ये जो दोहरी नीति है तो भारत की जनता अच्छे से जानती है। दरअसल राहुल गांधी जी अपने पार्टी में हाशिए पर जा रहे थे, उनकी कहीं सहयोगिता नहीं थी, जैसे पंजाब उनके हाथ से छूट गया, जो दूसरे बड़े बड़े राज्य थे छूट रहे थे, वहां के लोकल नेता उन्हें बुलाते नहीं थे, तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए यात्रा की। यह कांग्रेस का आपस का मामला है, कांग्रेस की अंदरूनी मामला है, लेकिन उस यात्रा में वो किसी दूसरे दल के बारे में या आरएसएस गैर राजनीतिक परिषद है, पुजारियों के बारे में कहना कि पुजारी खराब होते हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं, तो हिंदुत्ववाद को गाली देना, तो ये सब जो प्रहसन वो कर रहे हैं वो बहुत दुखद है। ठीक है, उनकी यात्रा हो गई और भारत के झंडे से बड़ा उन्होंने अपना बड़ा कद का पोस्टर कटआउट लगवाया, बहुत सारी बातें हैं जिससे जनता के मन में थोड़ी आक्रोश है। ठीक है, और ठीक आज जो रविन्द्र चौबे जी ने किया है वो तो बहुत ही राम है, क्षमा मांगनी चाहिए जनता की। तिवारी जी, आपको क्या लगता है, क्या ये यात्रा अराजनीतिक थी? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी इस यात्रा से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बयानबाजी जब भी करी राजनीति हो ही जाती थी उस पर। राजनीतिक था, राजनीतिक इससे क्योंकि वो खुद राजनीतिज्ञ है जी। एक गांधी परिवार देश का प्रथम राजनीतिक परिवार माना जाता है जी। तो और वो पूरी यात्रा में बेरोजगारी, शिक्षा, आतंकवाद, धर्मनिरपेक्ष और अलग अलग जो देश की समस्या है जी, उसको उठाते रहे हैं। तो ये राजनीतिक यात्रा थी पहली बार। ऐसी राजनीतिक यात्रा में आरोप प्रत्यारोप होते हैं दूसरी बार। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस यात्रा से उन्होंने कुछ कुछ संदेश दिया है। पहला संदेश जो
खुद राहुल गांधी की छवि है वो निखरी है, व्यक्तिगत तौर पे उनको बेहद फायदा हो गया क्योंकि उनकी छवि पिछले वर्षों में एक निगेटिव छवि बनी थी या विपक्षियों ने बनाई थी जी। जिस तरह की छवि उनकी बनी थी वो छवि निखर कर आया है कि एक संघर्षशील युवा है, एक सोच वाला युवा है और एक टी शर्ट में आया है जी। तो एक उन्होंने संदेश दिया कि मोदी जी रोज कपड़ा बदल रहे हैं और मैं पूरे एक टी शर्ट में पूरे देश भर में भ्रमण कर दिया, मैं त्याग में त्याग के लिए किया हूँ, एक सोच उनको दिखाने की अलग अलग तरीके से जो राजनीतिक संदेश राजनीतिक नेता देना चाहते हैं वो दिया कि त्याग तपस्या और किस कठिन परिस्थितियों में इन दिनों चला, ये सब बताने की कोशिश की है उन्होंने। अब इस यात्रा से राहुल की छवि तो सुधर गई है, कांग्रेस की छवि कैसे सुधरती है और इसका वोट में कितना परिवर्तन होता है और सत्ता कैसे वापस आती है, एक चिंता दूसरी चिंता इस पदयात्रा के बाद कांग्रेस के भीतर रहेगा कि यात्रा तो निपट गया, यात्रा सफल हो गई, अब इस यात्रा से राहुल की छवि जो है पहले जिस तरह से निगेटिविटी पप्पू की बनी थी वो ऐसा पप्पू नहीं है, एक बात तो उभर कर आ गई। अब दूसरी बात ये क्या नेता के इस दौरे से आम जनता का प्रभाव पड़ा क्या जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रभाव पड़ा क्या, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खुश हो सकते हैं कि उनके नेता का एक व्यक्तित्व तो अच्छा उभर के आया है, परंतु वोटों में तब्दील क्या होगी और पार्टी की नीति क्या है। ठीक है ठीक है, की नीति तिवारी दोबारा आऊंगा आपके पास, आपने सही कहा कि क्या जनता का विश्वास मिलेगा, वोट मिलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। रुक करूंगा विकास जी का। विकास जी, आपके नेता ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपको थैंक यू करना चाहिए पीएम को, उनके रहते ही ये पॉसिबल हो पाया है। देखिए ये लाल चौक में जो श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फैलाया गया है ये आज कोई पहली बार नहीं फहराया गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां तिरंगा फहराने की शुरुआत की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक में पहली बार तिरंगा फहराया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। आज लाल चौक की बात ये लोग जो करते हैं ये हमारे एक सांकेतिक उनको प्रदर्शन था कि हम लाल चौक में हम भी तिरंगा फहराए, हम डरते नहीं है। आज जब राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया है इनके किसी नेता को कि चलिए जब अगर कश्मीर की स्थिति जो इन्होंने बना के रखी है, सब न्यूज वहां सेंसर कर रखी है, आज वहां जम्मू से श्रीनगर तक कोई पदयात्रा कर ले, कोई इनका नेता इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गए और हमारा ये संकल्प था कि जब तक भारतीय तिरंगा कश्मीर श्रीनगर की धरती पर नहीं फहरेगा तब तक यात्रा समाप्त नहीं होगी, और हमने अपनी यात्रा को पूरा जो संकल्प हमारा लिया गया था जो हमारा कमिटमेंट था उसको पूरा किया और ये यात्रा पूरी तरह सफल रही। राहुल गांधी जी ने आज का भाषण अगर आपने विजेंद्र जी सुना है जी। आज जो कभी वो बात नहीं बोलते थे आज वो पहली बार उनके मन का दर्द बाहर आया, क्योंकि शहीद परिवार जिनकी दादी की हत्या 14 साल की उम्र में हो जाए, जिनके पिता की हत्या जब वो 21 साल के हो जाए, जिनको एसपीजी के और सुरक्षा के साये में अपना जीवन बिताना पड़े, जिनके दोस्त भी वही एसपीजी जो उनके सुरक्षा कर्मी उन्हीं के साथ बैडमिंटन खेलना, उन्हीं के साथ चेस खेलना, आप समझिए जो भारी जिनकी शिक्षा जो घर के अंदर हो गई ताकि आगे की उनकी सुरक्षा को देखते हुए, तो समझिए उस मनुष्य के अंदर कितना दर्द और दर्द भरा हुआ है। और वो जो हमारे देश के जवान, आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान जो शहीद होते हैं, जो अपने मोर्चे में ड्यूटी करते हुए देश की रक्षा करते हुए, उन शहीद परिवारों का दर्द जो समझ सकता है वो राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो खुद उन्होंने वो दर्द को झेला है। तो इस यात्रा का संदेश यही है कि ये नफरत का माहौल छोड़ो, भारत जोड़ो, और भारत जुड़ेगा तब जब सब हम उनका जो पैगाम साफ साफ है कि नफरत के मोहल्ले में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो आप ये समझिए जो अलगाववाद फैलाया जा रहा है, राजनीति हो रही धर्म के नाम पर, कभी हिंदू ईसाई, कभी हिंदू मुस्लिम, तो जो ये जो अलगाव, क्योंकि मूल बात से क्या ये धर्म की राजनीति, मूल बात मैं कहना चाहूंगा विजय जी, धर्म की राजनीति क्यों होती है, क्योंकि मूल समस्या से ध्यान को भटकाना है, आप बेरोजगारी से भटकाना है, आज महंगाई से भटकाना है, आज जो कौन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश को बिकने के लिए कश्मीर में तो दो झंडे फहराए जाते हैं, इसीलिए धर्म के आड़ पे राजनीति की जाती है। इन्होंने जितनी यात्रा का जिक्र किया
सब देश को बांटने के लिए थी। ये पहली यात्रा किसी राजनीतिक ने निकाली है जो देश को जोड़ने के लिए, भारत जोड़ने के लिए। जी ठीक है, यात्राओं का अपना इतिहास है, महात्मा गांधी ने भी यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद ही देश को आजादी मिली। राजीव जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके किसी नेता ने हिंसा नहीं देखी है, हिंसा उन्होंने देखी है और हिंसा का दर्द भी उन्होंने सहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, हिंसा का दर्द तो हमने भी झेला है, आज परम पूज्य बापू की शहादत है, उस शहादत के बाद कांग्रेस के लोगों ने चित्पावन ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा था पुणे में, जब 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो चुन चुन कर कांग्रेस के लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया और वो उनको मंत्री पद से नवाजा, एच के एल भगत, हरकिशन सिंह से लेकर तमाम लोग, सज्जन कुमार, इनको मंत्रिमंडल, जगदीश टाइटलर, ऐसी लंबी फेरिस्त है कि कांग्रेस जो दंगा करती है उसको उपकृत करती है। उसके अलावे जब राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई तो बहुत सारा हिंसा का प्रायोजन किया, तो कांग्रेस पार्टी जिसने देश का बंटवारा किया उसने तो दर्द दिया है बंटवारा देकर, कश्मीर जो हमारा अभूतपूर्व अंग था उसे नेहरू जी और राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों से खंडित किया, और कश्मीर में दो निशान जिसने किया तो वो गांधी परिवार के नेहरू जी ही थे, जो जहां पर कश्मीर और भारत के दो का झंडा परमिट लेके जाना पड़ता था। तो हिंसा तो कांग्रेस ने देखी और दिखलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंसा को समाप्त किया है सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने वो मादा रखा कि कोई भी नागरिक जाकर लाल चौक पर, नहीं तो पहले संभव नहीं था, वो तो कहते थे अलगाववादी कि कितने दूध पिलाए तुमने, आ जाओ लाल चौक के मैदान पर, देखते हैं कैसा तिरंगा फहराओगे, तीन टुकड़े में बांटेंगे। तो वो आज अगर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि संगीन के साय में नहीं, आराम से जा रहे हैं और राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं। तो ये जो श्रेय लेना की हिंसा मैंने देखा है, और हिंसा अभी अगर आपने देखा है तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने करवाया, लाल डेंगा के साथ समझौता किसने किया नॉर्थ ईस्ट के साथ, श्रीलंका की जो तमिल समस्या थी वो क्यों पैदा हुई, तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की अदूरदर्शी की वजह से, अदूरदर्शी राजनीतिक निर्णय की वजह से बहुत सारे देश की समस्याएं हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज बापू की पुण्यतिथि है, हम राजनीतिक विरोध को दरकिनार कर ये निर्णय लेते हैं कि हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब हमारे डोकलाम पर हमारा तनातनी चलती चाइना के साथ तो राहुल गांधी जी चुपचाप चीन के साथ गुपचुप वार्ता करते हैं। तो ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, दूसरे तरफ शत्रु देशों के आप उनके पक्ष में बातें करते हैं, तो ये जो डिप्लोमेसी है ये दो मुही बातें चल नहीं सकती। थीक, थीक, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पहले आप अपने पार्टी को, अपनी पार्टी को जोड़ लेना चाहिए, आपके पार्टी के तमाम लोग तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। हम तो चाहते हैं 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं और कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो क्या हासिल होगा इससे कांग्रेस पार्टी को? 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये पदयात्रा थी, पदयात्रा तो सफल हो गई। अब बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे आएगा जी, जो जनता से जुड़ी समस्या है वो समस्याएं हल क्या होगी, उसका हल किस तरह करेंगे, ये अपना एजेंडा कांग्रेस घोषित करे। तीसरी बात ये कि राहुल गांधी अच्छे हो सकते हैं मगर उनकी संवाद, जो जनता से संवाद है वो कैसे बेहतर तरीके से स्थापित हो पाएगा। पदयात्रा तो हो गए, पदयात्रा में उन्होंने लोगों से फीडबैक ले लिया, अब जनता को विश्वास कैसे हासिल होगी कांग्रेस का, ये एक बड़ी समस्या रहेगी अभी। दूसरा, कांग्रेस के भीतर के झगड़े हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर राज्य में छत्रपों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती है जी। अब क्या उसको रोक पाएंगे, उनके विश्वास हासिल हो पाएगा, और कांग्रेस के जो संगठन कमजोर है जी, उस संगठन को कैसे बेहतर तरीके से खड़ा कर पाएंगे, एक बड़ी चुनौती इस समय है कि मोदी और आरएसएस, भाजपा और आरएसएस जैसे मजबूत संगठन, विचारधारा आधारित, कार्यक्रम आधारित पार्टी है, उस पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पास विचारधारा, कांग्रेस के पास कार्यक्रम और कांग्रेस के पास ऐसी समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम जी खड़ा करना एक चुनौती है, तभी चुनाव जीत पाएंगे।
अन्यथा इस यात्रा से ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली, ज्यादा खुश होने की कांग्रेस की अभी जरूरत नहीं है। अभी कठिन चुनौती कांग्रेस के सामने है। दूसरी तरफ इतने तेजी से नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने जी, अपने किए गए वादे को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। उस टीम से मुकाबला करने वैसी टीम बनानी पड़ेगी, समर्पित टीम और अच्छी योजना जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो आने वाले समय की चुनौती को भांपते हुए काम कर पाएंगे, सभी लोकसभा चुनाव में मुकाबला दे पाएंगे और राज्यों में, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वापसी हो सकती है और जहां नहीं है वहां वापसी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो असली जो लड़ाई है कांग्रेस का दृश्य जो है, कांग्रेस कैसे अपने आप को बदलती है, जैसे राहुल गांधी ने अपने आप को बदला है वैसे ही पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने आप को बदलते हुए जनता के करीब, जनता से संवाद और जनता की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेना और काम करने की क्षमता विकसित करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस बेहतर तरीके से खड़ा हो सकती है। ठीक है, नहीं तो तात्कालिक तरीके ठीक है। तिवारी जी दोबारा आऊंगा आपके पास। विकास जी, जैसा कि तिवारी जी ने कहा है कि आप खुश हो रहे हैं क्योंकि आपकी यात्रा सफल रही, ऐसा आपकी पार्टी का मानना है, बीजेपी ऐसा नहीं मानती है, लेकिन चुनौतियां कई सारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? रामावतार भैया बहुत सीनियर विश्लेषक हैं, राजनीति और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका आकलन एकदम ठीक है। हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, हम जनता के बीच कनेक्ट होने में कामयाब हुए। उसका फॉलो अप, उनकी जो चुनौतियां रामावतार भैया गिना रहे थे उन्हीं की बात करता हूं। इसके फॉलो अप प्रोग्राम के, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा थी, कई बार इसमें कहा गया है कि इसका वोटों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस यात्रा का जो मोमेंटम बना है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो पिछले 26 जिसका आप लोग अभी इसमें चल रहा है आपके स्क्रीन में, 26 जनवरी को उसकी शुरुआत हो गई है। हम लोग पूरे देश में बूथ से तक पहुंचेंगे, आम आदमी तक पहुंचेंगे, गांव तक पहुंचेंगे, खेत खलियानों में पहुंचेंगे, एक एक आदमी से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कनेक्ट होगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगले 2-4 महीने ये यात्रा चलेगी और एक एक वहां के जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी है उनका सम्मान होगा, आम जनता के बीच में जाएंगे, बूथ के एक एक व्यक्ति के ऊपर देश के हम लोग के जाने का प्रोग्राम है। क्योंकि अगर जितने भी हमारी दूरदर्शिता और हमारी विचारधारा और देश के लिए आगे हमारी योजना है उसको अगर लागू करना है तो बिना सत्ता हासिल किए उसको पाना लागू करना संभव है। तो इसके लिए पूरा प्रयास होगा। हाथ से हाथ जोड़ यात्रा पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा है, अगले 3-4 महीने पूरा इसका कैंपेन चलेगा छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में, और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जो मीडिया ने सेंसर कर रखा है कई चीजों को, जो आज जैसे चीन की घटना, आज हमारे साथी बोल रहे थे आज चीन ने लगभग ठीक है विकास जी, 4-5 विकास जी आएंगे, आज मुद्दा यात्रा का है, रुक करूंगा राजीव जी का। राजीव जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था? देखिए, ये पूरी की पूरी यात्रा एक इवेंट मैनेजमेंट थी जो कांग्रेस का अंदरूनी एक सिस्टम है या एक स्ट्रेटेजी है, और पूरा का पूरा जो यात्रा थी वो राजनीतिक यात्रा थी क्योंकि उसके तीन मुख्य कारण थे। एक राहुल गांधी, जिसे माननीय पत्रकार रामावतार जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को अपने छवि को निखारना था। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे केवल सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है 2-4 राज्यों को छोड़कर, तो उसे सहयोगी पार्टी से मुख्य पार्टी बनना है। उत्तर प्रदेश में वो सहयोगी, उड़ीसा में वो कहीं पर नहीं है जी, बिहार में वो सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल की, तो हर जगह वो सहयोगी पार्टी, जबकि देश की बहुत पुरानी पार्टी है। बहुत सम्मान करता हूं कि एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी बनते बनते केवल सहयोगी करती रही, खुद मुख्य धारा में नहीं है। तो ये उनका पॉलिटिकल इवेंट था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट था
कि हम एक यात्रा करते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे, चाहे राम मंदिर यात्रा हो, सोमनाथ से लेकर श्री राम मंदिर तक का था, मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा की थी जिसमें हमने नारे लगाए थे बचपन में, लाल किले का लाल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, और लाल चौक पर जाके लाठीचार्ज से वो समाप्त हुआ था लाल चौक पर। तो ऐसा लंबा 5-6 यात्राएं हमारी निकली है। ठीक तो ये ठीक तो सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे विकास बजाज जी, हमारे साथ राजीव जी जुड़े थे बीजेपी से, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का समापन हो गया है, अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। उसका उद्देश्य यह है कि अब वो जनता तक मोदी सरकार की नाकामियां पहुंचाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में इजाफा होता है या फिर वो शिथिल होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।